हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन में। सबसे पहले मैं क्या करूंगा आज क्लास में, जो कॉमनली यूज्ड फंक्शंस हैं उनके हम डिफरेंशिएशन लिस्ट करेंगे एक जगह। मोस्ट ऑफ द जो मैं लिखने वाला हूं वो तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट क्या करना है इसलिए लिखवा रहा हूं सो दैट एक ही जगह हमारे एक साथ आ जाएंगे वो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो लिख लो डिफरेंशिएशन ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। ठीक है ना, ऐसे लिख लो डिफरेंशिएशन ऑफ सम बेसिक फंक्शन। तो मैं स्टार्ट करूं फर्स्ट वन। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टेंट के, और ये हो गया कॉन्स्टेंट, दिस इज अ कॉन्स्टेंट। तो अब मैं इधर तो फंक्शन लिख रहा हूं इस कॉलम में, और इधर इसका डेरिवेटिव, मतलब अगर ये मैंने फंक्शन को एफ एक्स बोला तो दिस इज व्हाट, एफ डैश एक्स या डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलो तो इसका क्या होता है कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव, इट इज जीरो। तो ये हो गया हमारा जीरो। ठीक है, अच्छा फिर मैंने लिखा सेकेंड एक्स की पावर एन। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n into x की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट सभी को पता होगा ये। ठीक है, थर्ड वन, उसके बाद आते हैं हम e की पावर x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम a की पावर x। ऑल दीज यू कैन प्रूफ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, कीप दैट इन माइंड, जो भी तुम्हें लगे कि नहीं मुझे प्रूफ करना चाहिए तो यू कैन ट्राई विद फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, a की पावर x का क्या होता है, तो इसका होता है a की पावर x इंटू एल एन ए। एल एन मतलब बेस इज e। ठीक है, कैसे करते हैं बेसिकली इसको कन्वर्ट, इसको e की टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस टाइप के अभी हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके। ठीक है, क्या करते हैं वैसे एक बता देता हूं मैं, इसको लिख सकते हैं e की पावर x एल एन ए। ठीक है, फिर ये e की पावर के एक्स है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e की पावर के एक्स इंटू के, तो e की पावर के एक्स तो यही लिखा है, ये के लिखा है। ठीक है ना, तो अभी उसकी जरूरत नहीं है कैसे आया, अभी बस लिस्ट करना है हमें। ठीक है, हमारा टारगेट इज टू लिस्ट ऑल द फॉर्मूले। देन कम्स फिफ्थ वन, एल एन एक्स। एल एन एक्स मतलब बेस इज ई, तो इसका डेरिवेटिव इज वन बाय एक्स। देन कम्स लॉग एक्स, लॉग एक्स टू द बेस ए। तो इसका क्या करेंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम से पहले लिखेंगे एल एन एक्स अपॉन एल एन ए, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव इज वन बाय एक्स, तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स एल एन ए। ठीक है, तो ये होगा हमारे छह। चलो और लिख लेते हैं इधर, फिर मैं इधर अगेन फंक्शन का कॉलम लिख रहा हूं। तो सेवेंथ वन अब हमारा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं सारे। तो सबसे पहले साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव इज सभी को पता है कॉस एक्स। देन कम्स कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, याद रखना माइनस है आगे। उसके बाद हमारा टेन एक्स आता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देन कम सेक एक्स, इसका हो गया सेक एक्स टेन एक्स। फिर आ गया हमारा ट्वेल्थ वन कोसेक एक्स, इसका डेरिवेटिव इज माइनस टाइम्स कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके डेरिवेटिव। चलो तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो, इतना कॉपी करो, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, फर्दर हम और भी फंक्शंस इसमें इंक्लूड करते हैं। तो कॉपी दिस पार्ट, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब हम इनवर्स का ले लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनवर्स। तो 12 हो गया हमारे उधर, फिर 13 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स का चलो लिख लो, ऐसे सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, द रीजन इज हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमने देखा था जब इनवर्स पढ़ रहे थे हम फंक्शन में, तब हमने ये देखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव इज नेगेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव, या फिर उल्टा बोल लो इसका डेरिवेटिव इज नेगेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव, बिकॉज इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से अब क्या होगा हमारा, टेन और कॉट का क्या अंतर होगा, केवल नेगेटिव का अंतर होगा। उसी प्रकार कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स में क्या होगा, केवल नेगेटिव का अंतर होगा, क्योंकि वो दोनों भी इसी फॉर्मूले से रिलेट होते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू, एंड ऑल्सो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू। ठीक है, तो कहने का मतलब है छह चीज करनी, तीन ही चीजें याद है, बाकी तीन तो नेगेटिव हो जाएंगी उनकी। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज 51 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट कम 16
इसका तुम प्रूफ भी कर सकते हो इन सब का, ठीक है ना। जैसे मैंने tan इनवर्स x का तो करवाया था, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से यू कैन ट्राई sin इनवर्स x आल्सो सेम चीज से, ठीक है। अब तुम्हें मान लो sin इनवर्स a माइनस sin इनवर्स b का फॉर्मूला नहीं भी पता है, तो तुम इसको y मान के dx ओवर dy निकाल लो और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लो, बिकॉज वी नो dy बाय dx एंड dx ओवर dy आर बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। जैसे हमने इसका किया था ना मेथड टू, वही तुम इसमें लगा दो sin इनवर्स वाले में, ठीक है ना, एक बार करना, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बोला tan इनवर्स और cot इनवर्स में क्या होगा अंतर, केवल नेगेटिव का, तो दिस विल बी माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्या आता है cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x पहले लिख लेते हैं, sec इनवर्स x इसका डेरिवेटिव वन अपॉन मॉड x, याद रखना मॉड x है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, डोंट गेट कंफ्यूज विद sin इनवर्स, इधर वन माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, वैसे भी तुम्हें क्लियर हो जाए, ऑब्वियसली बात है इधर x square minus 1 होना चाहिए। रीजन इज अगर मैंने इधर 1 minus x square लिख दिया तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा ना, मतलब डोमेन में ही नहीं, डोमेन हमारा इंटर वही नहीं आएगा, इसका x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, why? Because sec inverse x का जो डोमेन होता है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी होता है, तो अगर मैंने इधर 1 minus x square लिखा तो फिर मैं x तो कुछ रख ही नहीं सकता क्योंकि मेरा x 1 से बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैं रख ही नहीं पाऊंगा। सिमिलरली इधर भी अगर वैसे कंफ्यूजन हो कभी कि x square minus 1 है या 1 minus x square है, दैट यू कैन जस्टिफाई बाय डोमेन ऑल्सो, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं होगा, इधर वन माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है माइनस वन से वन, तो माइनस वन से वन के लिए दिख रहा है ये डिफाइन है, ठीक है। चलो अब मैंने बोला 18th वन, तो 18th वन इज कोसेक इनवर्स एक्स, तो अगेन इसका डेरिवेटिव क्या होगा इसका नेगेटिव, तो माइनस वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 18। चलो और करते हैं, इस पार्ट को आप कॉपी कर लो, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। अब एक मैंने तुम्हें बताया था कि जिसको याद रखना है हमेशा x की पावर x, वो भी इस लिस्ट में लिस्ट कर लेते हैं हम 18th के बाद। ये हो गया हमारा 19th, क्या था वो x की पावर x का डेरिवेटिव क्या आया था, x की पावर x इंटू वन प्लस ln x, या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको भी क्लब कर सकते हैं 1 को, कैसे 1 को ln e लिख लो, फिर ln e plus ln x क्या हो गया ln x ही, तो फर्दर दिस कैन बी रिटन एज x की पावर x into ln of x into e, ठीक है। याद रखना फ्रिक्वेंटली आता है तो हम हर बार निकालने नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली वी विल अप्लाई x की पावर x is x की पावर x into 1 plus ln x, इसका हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इसका प्रूफ देखा था, ठीक है। फिर आते हैं हम इस सब का देख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, वन होता है जहां डिफाइन है, इंटीजर्स पे तो कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशियबल तो होगा नहीं, तो डेरिवेटिव तो डिफाइन होगा ही नहीं इंटीजर्स पे, तो ऐसे लिख लो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स नॉट इक्वल टू इंटीजर के लिए ही इसका डेरिवेटिव वन है, और जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो होगा, और अगेन एक्स नॉट इक्वल टू इंटीजर, समझ में आ रहा है इंटीजर क्यों मना कर रहा हूं, इंटीजर पे तो कंटिन्यूस ही नहीं है ना दोनों, तो जब कंटिन्यूस ही नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी कहां से होगी, ठीक है ना। अच्छा चलो अब 22, अब देखना अब जो तुम्हें फ्रीक्वेंटली आता है दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एक्सप्रेशंस में, तो देखो वैसे चेन रूल से तो एक मिनट मतलब 10 सेकंड लगेंगे, बट उतना भी नहीं लगाना हमें, डायरेक्टली हम लिखेंगे एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा उधर, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाकी ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है ना, ये चेन रूल्स आएंगे, ये दोनों क्या करोगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दिस, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 से 2 कैंसिल एक्स अपॉन दिस आ गया, ठीक है। बट मैं इसलिए लिस्ट करा रहा हूं, द रीजन इज दीज आर फ्रीक्वेंटली कमिंग, तो हमें उधर ऐसे नहीं लगाना पहले हम इसका डेरिवेटिव करें फिर चेन रूल से एक्स स्क्वायर का 2x, नहीं डायरेक्टली लिखेंगे x अपॉन दिस, क्लियर है। चलो तो और लिस्ट कर लेते हैं, मैं स्कोर अप कर देता हूं थोड़ा, ठीक है, इस वाले इनवर्स वाले को तुम लोग कॉपी करो इसको पॉज करके। हाँ तो अब मैंने बोला हमारा 24th, चलो अब मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं किसकी बात कर रहा हूं समझ जाओगे अभी देखो लिखते से, ये हमने कहां कहां यूज किया था याद करो, एक बार रिकॉल करो इसको, इसको रिकॉल करो तुम लोग पॉज करके, हमने कहां कहां ये उस टाइम भी मैंने स्ट्रेस दिया था कि दिस इज फ्रीक्वेंटली कमिंग इन पूरा कैलकुलस, इंटीग्रेशन वगैरह में भी आएगा, डिफरेंशिएशन में भी आएगा, तो फॉर टाइमिंग इसका हमने डिफरेंशिएशन याद रख लिया अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा कैसे, चेन रूल से, वो भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है ना, चेन रूल पढ़ेंगे तब, बाकी जिसको आता है दे कैन ट्राई। पहले ln, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन दैट, 1 अपॉन दिस, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x का 1, फिर इसका अगेन इसका डेरिवेटिव वो हो जाएगा, तो व्हेन यू विल टेक एलसीएम अनाउंस तो कैंसिल आउट हो गए, यू विल बी लेफ्ट आउट विद दिस सिंपल टर्म। अच्छा अब मैंने बता रहा हूं कि ये मैं कहां यूज किया था, देखो सबसे पहले हमने फंक्शन में ये यूज किया था इवन ऑड के केस में, जब मैंने एग्जांपल दिया था फाइंड वेदर दिस इज इवन और ऑड, तो हमारा ये क्या निकल के आया था, ऑड। कैसे आया था, पहले हमने एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा था, इधर माइनस एक्स आ गया था, ठीक है, फिर क्या किया, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करोगे तो इसी का डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा प्लस वाला, तो वो ln ऑफ 1 बाय दिस इज नथिंग बट माइनस ln ऑफ दिस, तो उससे हमारा क्या आया था, ऑड फंक्शन आया था, ठीक है, लिख लो इधर, पहले लिखना है तो दिस इज ऑड फंक्शन, ये हमने ऑलरेडी क्लियर किया था। फिर हमने दूसरी बार इसका कहां यूज किया था कैलकुलस में, अपने लेक्चर्स में हमने किया था इसका इनवर्स निकालने के लिए, याद करो या नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, तुम लोग नोट्स पलट के देखो एक बार, इसका मैंने बोला इनवर्स निकालो इफ एग्जिस्ट, तो पहले हमने इसको इन्वर्टेबल प्रूव किया था, इन्वर्टेबल के लिए हमने क्या निकाला था, बेसिकली डिफरेंशिएशन निकाला था उसका, देखा था कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, प्लस सॉरी एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो, मतलब साइन चेंज नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलते हैं फंक्शन इज वन वन, तो उससे हमने इसको वन वन प्रूव किया था, ठीक है ना, और फिर ऑन टू के लिए हमने इसका रेंज निकाला था वो भी आर आ रहा था, तो दिस इज बेसिकली इन्वर्टेबल फंक्शन। फिर हमने क्या किया, एक्स को वाई से रिप्लेस करके एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाला, ठीक है, फिर हमारा आ गया था आसानी से इनवर्स, ठीक है, तो दो जगह हमने यूज किया था, अब ये तीसरी जगह इसका यूज है। देखो अभी सुनना है, एक चीज मैं इसलिए इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि आगे जाके इंटीग्रेशन में ऐसा आने वाला है, देखो ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो हमें पता इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसीजर, रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी याद रख लिया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो अब मैंने बोला ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर और लिख लो, एक बार लिखना है तो इफ यू वांट टू राइट जस्ट राइट इट एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस विल बी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बेसिकली मैंने ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर लिखा इसमें और कुछ नया नहीं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा यूज होता है वन बाय एक्स, बहुत जगह मिलेगा, मतलब इसको फिर हम ऐसे नहीं करेंगे, देखो जैसे अगर मान लो तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता तो बच्चे लोग का हैबिट क्या होता है, एक्स बार माइनस वन लगाना, फिर वाला फॉर्मूला लगाना एक्स की पावर एन वाला, क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर इससे करते हैं माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, इतना नहीं करना, डायरेक्टली हमें रिजल्ट पता होना चाहिए माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तुम देखोगे इस चीज का यूज अभी एग्जाम्पल्स में, ठीक है, हमें इतना प्रोसीजर नहीं करना है, हमें डायरेक्टली आंसर बोलना है वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, मैंने बोला x की जगह अगर मैं कोई फंक्शन ले लू, लेट से f, सम फंक्शन ऑफ x, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले 1 बाय f का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 बाय f स्क्वायर, फिर चेन रूल से f का डेरिवेटिव f डैश, डोंट वरी इस पे भी हम आएंगे चेन रूल पे आज के लेक्चर में, ठीक है, बट अभी के लिए हमने लिस्ट कर लिया इस लेवल में। उसके बाद जो तुम्हारा फ्रिक्वेंटली आता है दैट इज अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट एक्स, बहुत जगह आता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, क्लियर है। अच्छा एक और लिस्ट कर देता हूं, जैसे अभी अपन ने इसका जनरलाइज किया, किसका, वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है, तो वन बाय एफ का माइनस वन बाय एफ स्क्वायर इंटू एफ डैश, उसी तरीके से हम रूट एक्स की जगह रूट एफ कर सकते हैं, मैंने बोला रूट एफ का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पहले वन अपॉन टू रूट एफ इंटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश, क्लियर है बच्चों, समझ में आया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेसिकली लास्ट वाले जो इंपॉर्टेंट है, बाकी पहले वाले तो तुम्हें मोर ऑर लेस सभी को पता होगा, ठीक है ना, इनवर्स के भले, इनवर्स में भी शायद सेकंड इनवर्स का भले शायद किसी को नहीं किया आता हो, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का हम बहुत जगह अभी तक कैलकुलस में यूज किए हैं, बट ये वाले जो लास्ट के लिखवाए ना मैंने 24 से लेके 29 तक, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। वैसे देखो सबको आता है वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, वो प्रोसीजर से नहीं निकालना, मेरा कहने का मतलब ये एकदम टिप्स पे होना चाहिए हमारे, ठीक है ना, इसको फिर मैंने जनरलाइज कर लिया, एक्स के लिए कोई फंक्शन ऑफ एक्स लिख लिया, तो माइनस वन बाय एफ स्क्वायर इंटू एफ डैश, सिमिलरली रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, तो उसी के हिसाब से जनरलाइज क्या हो जाएगा, रूट एफ का क्या होगा, वन अपॉन टू रूट एफ इंटू चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश, और जिसको चेन रूल नहीं पता डोंट वरी, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं नहीं तो वो मत हो जाना कॉन्फिडेंस लो कर लेना सर चेन रूल यूज कर रहे हैं मुझे तो आता नहीं है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, और आज ही की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर एक काम करो आप वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब हम आते हैं थ्योरम्स इन डिफरेंशिएशन,
थियरम्स बोल लो या फिर एलजेब्रा बोल लो, ठीक है ना, जिसमें वो सब आएगा, प्रोडक्ट रूल, डिविजन रूल और अपना चेन रूल, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। तो लिख लो पहले थियरम्स एंड डिफरेंशिएशन, थियरम्स लिख लो या रूल्स लिख लो, ठीक है, या एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसे कुछ भी लिख लो, ऑल मीन द सेम थिंग, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट थियरम, थियरम वन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज dy by dx is basically 1 upon, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है लास्ट क्लास में, ठीक है ना। dy by dx and dx over dy are basically reciprocal of each other, but again don't think कि मैंने dy को इसके नीचे लेके आया, ऐसे नहीं किया, इसका मैंने प्रूफ भी दिया था, ठीक है ना। और मैंने पहले भी बोला है dy by dx जो है बेसिकली ये एक यूनिट है, ठीक है ना, d upon dx of y, ऐसे रीड करते ना, d by dx of y, तो हम dy और dx is not the ratio of dy and dx, ये दिमाग में बैठा, ठीक है, वो हमने लास्ट क्लास में बहुत डिस्कस किया था, इसकी जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट भी कुछ हल्का फुल्का, ये क्या है, मैंने बोला u plus minus v इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डैश लगा रहा हूं मैं, या फिर ऐसे लिख लो d by dx of u plus minus v in both the format, तो क्या होगा, सिंपली दोनों का डिफरेंशिएशन का, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन का एडिशन, तो मतलब दिस इज नथिंग बट यू डैश प्लस माइनस वी डैश, या फिर इस फॉर्म में लिखना है तो डी बाय डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ वी, सिंपल एडिशन में, ठीक है ना। मतलब इसने बोला एडिशन करके डिफरेंशिएट करो, या फिर पहले डिफरेंशिएट कर लो दोनों को फिर एड कर दो, वन एंड द सेम थिंग, कुल मिला के बात यह है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहां तक तो अभी कोई दम नहीं है, इसमें भी कोई दम नहीं जो अभी लिखवा रहा हूं मैं, मैंने कहा d by dx of some constant k into u, this is some constant, लिख लेना इधर constant, तो क्या हो जाएगा, constant को हम बाहर लिख सकते हैं, this is d by dx of u, सिंपल है, मतलब ऐसे लिखा है k u का डेरिवेटिव, k is constant, अगेन k constant है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं k times u dash, डोंट ट्रीट दैट k इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो ये हो गया हमारे तीन थियरम, अब आते हैं मेन वालों पे, मेन वालों मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी और उनके हम प्रूफ भी देखने वाले हैं। तो फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हो तुम लोग इलेवेंथ में स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट रूल, तो वही अब हम देखने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो हमारा क्या है प्रोडक्ट रूल, पहले लिख लेते हैं उसके बाद उसका फिर डेरिवेशन देखेंगे। फोर्थ वन, दिस इज थियरम फोर, d by dx of u into v, या फिर इसको लिख लो u into v का ऐसे इस फॉर्म में लिख लो डैश, क्या होगा हमारा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d by dx of u into सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव into फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, या फिर इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, u dash v plus v dash u, क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड, लिख लो पहले लिखना है तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। इसी तरीके से हमारा भी आगे जाके डिवीजन रूल आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल, अब आया कैसे, तो एक काम करो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, प्रूफ मतलब क्या बोलते हैं इसको, तुम प्रूफ करो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, मैंने बोला प्रूफ दिस, क्या करना है मुझे, यू इंटू वी का डेरिवेटिव प्रूफ करना है, ये होता है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो को और एक बार खुद से करो, ज्यादा सीखोगे, पहले बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं इसका प्रूफ, मैंने बोला लेट्स से यू इंटू वी को मैंने कुछ फंक्शन मान लिया, लेट्स से डब्ल्यू डब्ल्यू, चलो यू और वी की जगह एफ और जी लेता हूं, ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं हम लोग, तो मैंने लिखा ऐसे लिख रहा हूं, मतलब प्रूफ किसका कर रहा हूं, पहले तो टू प्रूफ मैं यू और वी की जगह एफ और जी ले रहा हूं, तो डी बाय डी एक्स ऑफ f into g is equal to f dash g plus g dash f, मतलब f dash मतलब d by dx of, नहीं तो चलो पूरा ऐसे इस फॉर्म में लिख लो, d by dx of f into g plus d by dx of g into f, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, इसको let k of x is equal to f of x into g of x, जो मेरा प्रोडक्ट फंक्शन है f into g, उसके एक फंक्शन मान लिया k of x, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, k dash x प्रूफ करना है, तो मतलब ये तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, इसके सेंस में टू प्रूफ, k dash x is equal to
एफ डैश इंटू जी प्लस जी डैश इंटू एफ, ये प्रूव करना है मुझे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, के डैश के हम इसके ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल लगा रहे हैं के एक्स के ऊपर। तो देखना के डैश एक्स, सुनना ध्यान से, इज इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट एच इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो के ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, यही होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे ही लिखते हैं हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा अब मैंने k की जगह ये f इंटू जी रख दिया तो ये मेरा कितना आया f ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ x प्लस एच, ये तो मेरा क्या लिखा अभी मैंने k ऑफ x प्लस एच माइनस के एक्स, तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अभी तक कुछ हमने दिमाग वाला काम नहीं किया है, अब करेंगे थोड़ा सा दिमाग वाला काम, ठीक है। अभी तो मैंने सिंपली इधर x की जगह x प्लस एच डाला तो ये आया और के एक्स एज इट इज लिख लिया। चलो तो अब मैं इसके आगे प्रोसीड करने के लिए ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो यहां तक। तो अब मैंने कहा मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं यहां तक का मिटा देता हूं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वैसे इसमें है चेन रूल, ठीक है ना, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। चलो तो मैंने क्या बोला, हाँ अब देखो, अब याद है जब मैं अपना जो डिफरेंशियबिलिटी था उसमें आखिरी में इस टाइप की चीजें हमने की थी कुछ, तो क्या करते थे हम इसमें से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, तो वही इधर करेंगे हम। क्या क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें वो देखो, अब मैंने किया, मैंने तो मैंने ऐसे लिख लिया वाला एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, अब मैंने लिखा माइनस। अब मैं इस तरीके से लिखना चाह रहा हूं कि इसका एक टर्म आ जाए, तो मैंने लेट से कोई भी एक ले लिया, लेट से f ऑफ x प्लस h ले लिया इनटू g ऑफ x। अभी समझ में आया ऐसा क्यों कर रहा हूं, जब सबट्रैक्ट किया तो मुझे उसको ऐड भी करना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल, तो प्लस f ऑफ x प्लस h इनटू g ऑफ x माइनस fx इनटू gx। अभी जो वो लिखा था और ये लिखा है दैट इज एकदम सेम, कुछ टर्म मैंने ऐड और सबट्रैक्ट किया है तो नलीफाई हो गया एक दूसरे के साथ। अब क्या किया इन दोनों में से, इन दोनों को क्लब किया और इन दोनों को क्लब किया, जस्ट लाइक जो हमने आखिरी में किया था, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी में आखिरी के दो लेक्चर्स में। तो इसमें से मैंने क्या किया f of x plus h कॉमन ले लिया। अब देखो लकीली क्या बन रहा है, g of x plus h minus g of x divided by h, और हमारा क्या आगे है लिमिट h approaches 0 प्लस इधर से मैंने g of x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बना f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, अगेन लिमिट h टेंड्स टू जीरो। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली ये बेसिकली क्या लिखा है, ये वाला जो पार्ट है ये जो मेरा लिखा है देखो ध्यान से, दिस इज बेसिकली g डैश x एंड दिस पार्ट इज माय f डैश x, तो प्रूफ हो गया h को जीरो रखोगे तो ये तो fx आया, तो fx इंटू g डैश प्लस gx इंटू f डैश, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट रूल, क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। चलो अब कुछ छोटे छोटे एग्जांपल अपन 5-6 एग्जांपल वाले देख लेते हैं, थोड़ा अपना हैंड फ्री हो जाए थोड़ा, ठीक है ना। तो मैं इसको पहले रब कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी करो, ठीक है। बाकी बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत आसान है, डिफरेंशिएबिलिटी और क्वांटिटी काफी हार्ड है एज कंपेयर टू दिस। डिफरेंशिएशन इज द इजिएस्ट चैप्टर, ठीक है ना, एक्चुअली मैं तो इसको बोर्ड का टॉपिक मानता हूं, ठीक है ना, दिस इज प्योरली अ बोर्ड बेस, इसमें ज्यादा दिमाग कहीं खर्च नहीं होगा, कहीं भी खर्च नहीं होगा ज्यादा दिमाग, बहुत ज्यादा प्रोसीजरल चैप्टर है डिफरेंशिएशन। हाँ एडवांस के तुम क्वेश्चन देखोगे तो ठीक है थोड़ा सा मान सकते हैं हार्ड हो सकता है थोड़ा, क्योंकि एडवांस में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन में तो वो प्योर डिफरेंशिएशन का नहीं देता, कुछ ना कुछ मिक्सअप करता है अलग अलग चैप्टर्स के। बट इफ यू विल सी द मेन क्वेश्चंस ना फॉर डिफरेंशिएशन, यू विल सी कि यार ये तो या तो डिफरेंशिएबिलिटी जैसे ही क्वेश्चन है, या अगर डिफरेंशिएशन के हैं प्योर तो बहुत ही आसान है, ठीक है। बट हाँ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना बोर्ड के लिए, ठीक है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है, फिक्स है। चलो अब मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर f of x is equal to, चलो y is equal to लिखते हैं, y is equal to let's say x square into 10x, ठीक है, फिर मैंने लिखा dy by dx निकालना है, तो क्या करेंगे हम, पहले x square का derivative which is nothing but 2x into second function as it is plus first function as it is into 10x का derivative sec square x, this is my answer। तो कुछ ज्यादा दिमाग की खर्च नहीं करना है,
प्रोडक्ट रूल लगाया है, बस हमें क्या है वो टेबल जो है वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। जैसे उधर टेन एक्स भी था, एक्स स्क्वायर भी था, एक्स स्क्वायर कैसे था सर, एन था ना, जनरलाइज था, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, उधर एक्स स्क्वायर लिखा है। चलो फिर मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, लेट से तो क्या करें कुछ नहीं, फिर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज साइन एक्स इंटू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा और ले लेते हैं, अब जैसे दो दो लिए, अब तीन तीन फंक्शन ले लेते हैं, चलिए तीन तीन के एक आध कर लेते हैं। मैंने बोला जैसे कि चलो लॉग लॉग भी ले लेते हैं, लॉग का नहीं लिया अपन ने, लॉग ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा थर्ड वन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू लेट्स से एल एन एक्स, ये लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके कैसे हैं, मतलब एक तरीका तो ये है जो, चलो मैं पहले लॉन्ग मेथड बोलता हूं। क्या करो, किसी भी दो को क्लब कर लो, लेट्स से ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट रूल अभी हमने दो के लिए पढ़ा ना, दो के लिए पढ़ा है ना, तो क्या करते हैं हम पहले जैसे एक्स, इसको मैंने एक फंक्शन मान लिया, इसको एक फंक्शन मान लिया, तो पहले तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डैश इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स इंटू एल एन एक्स, देखा ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव, क्लियर है? अच्छा अभी मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूं, अभी एक फॉर्म में लेके आ रहा हूं, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा मैं, ठीक है? तो ध्यान से देखो अभी, फिर मैंने लिखा चलो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू साइन एक्स इंटू एल एन एक्स, अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो साइन एक्स इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एल एन एक्स का वन बाय एक्स, क्लियर है? तो चलो इसको भी इस फॉर्म में लिख लो, चलो अभी इसको भी ऐसे फॉर्म में लिख लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू एल एन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव, अभी मैं क्यों सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी मैंने डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा है, अभी फाइनल, अब देखो ध्यान से, अब अगले स्टेप में तुम्हें क्लिक होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो ध्यान से, हम अब देखो तीन टर्म आए हमारे, अच्छा पहला टर्म देखो ध्यान से क्या हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, तो इसका मतलब क्या, हमें ऐसे ब्रेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तीन फंक्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, एक का एट ए टाइम एक को डेरिवेटिव करो, बाकी दो को एक साथ लिखो, फिर हर एक बार हर एक का नंबर आएगा, तो इसका मतलब क्या था, चार फंक्शन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर चार में क्या करेंगे वही एक का डिफरेंशिएशन बाकी तीन एज इट इज, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन बाकी तीन एज इट इज, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन बाकी तीन एज इट इज, फिर चौथे का डिफरेंशिएशन बाकी तीन एज इट इज, क्लियर है? समझ में आ गया मैं जो बताना चाह रहा था, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अभी इधर सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था, मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब इधर डिफरेंशिएट नहीं किया था, एक्स स्क्वायर का टू एक्स इधर कॉस एक्स वगैरह नहीं किया था मैंने, ये चीज फॉर्मेट समझाना था मुझे, मतलब क्या है जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा वन सेकेंड थर्ड, जैसे इस टाइप में लिख लो इसका डेरिवेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, ये तो देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू थर्ड प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव, तो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट रूल से आया है, ठीक है ना, फॉर थ्री फंक्शन हो गया। अब कितने भी हो एट ए टाइम याद कर रखना एक ही को डिफरेंशिएट करना, बाकी को एज इट इज लिखना, तो तीन के जगह पांच हो दस हो कोई दिक्कत नहीं है, तो नाउ ऑनवर्ड्स जैसे अभी तक क्या होता है बच्चों की हैबिट, वो क्लब कर लेते हैं, इसको एक फंक्शन मानते हैं, इसको दैट इज अ करेक्ट वे, वैसे ही तो आया है, बट अब हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ इसको क्लब किया इसको क्लब किया, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, दैट इज डिवीजन रूल पे, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो, डिवीजन रूल वो भी सबको आता होगा, लेकिन क्या नहीं किया होगा तुमने पहले, इसका प्रूफ नहीं किया होगा फिजिक्स में, आपको उधर जरूरत नहीं पड़ती है, बट अब मैथ्स में हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे, तो लिख लो नेक्स्ट इज हमारा फिफ्थ आई थिंक ना, हाँ फिफ्थ हो गया ना, दैट इज डिवीजन रूल, लिखो डिवीजन रूल,
डिवीजन रूल। तो पहले तो लिख लेते हैं मैथमेटिकली क्या होता है। मैंने बोला एफ अपॉन जी इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये डैश लगाया, पावर नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज नॉट पावर वन, दिस इज डैश डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। दो डैश लगाना मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया, यहां तक क्लियर है। तो ये तो हमने फिजिक्स में पढ़ा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे, ठीक है, प्रूफ देखते हैं पहले। तो अगेन एफ बाय जी का मैं कोई भी फंक्शन मान लेता हूं, लेट से के, मैंने कहा लेट, तुम लोग करो, चलो तुम लोग पहले एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लेट दिस इज के, मुझे क्या निकालना है, चलो मैं वो एक्सप्रेशन लिख के दे देता हूं, के डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो के ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, दिस इज माई के डैश एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब तुम लोग पॉज करके एक बार खुद से कर सकते हो, ठीक है ना, दैट इज योर विल, तुम्हें अगर इच्छा है तो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। मैं इसको बता देता हूं, तो अब इसकी जगह रख देते हैं एफ और जी, ये के एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो के ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, इसमें एक्स प्लस एच डाल देते हैं एक्स की जगह, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एक्स इज वॉट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, और इधर लिखा है लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब ऑब्वियस सी बात क्या करेंगे, उधर एलसीएम लेंगे, तो इधर क्या आएगा, देखो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, एक तो एच है, एक आया मेरा जी एक्स एलसीएम के कारण, और एक आया जी ऑफ एक्स प्लस एच, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब देखो लिमिट एच टेंड टू जीरो है, तो ये वाला जो मेरा फंक्शन है, ये जो है ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, क्या लिखा है, अगर एच जीरो को जा रहा है तो जी एक्स का स्क्वायर लिखा है, तो उसको तो मैं बाहर ले सकता हूं बिकॉज लिमिटिंग वेरिएबल तो एच है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं अगले स्टेप में, तुम लोग पॉज करो, इतना कॉपी करो, ठीक है ना, तुम लोग पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूं। मैंने बोला अब क्या करूं मैं, जीएक्स को तो बाहर ले लेते, चलो इसी स्टेप में बाहर तो इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या लिखना, तो आई एम टेकिंग इट आउटसाइड, तो दिस इज ये हो गया मेरा वन अपॉन जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें ही वही करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब कैसे डिसाइड करना है वो चीज मैं क्या बताया था तुम्हें, कि लेट्स से मैं पहले तो ये वाला टर्म लिख लेता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। अब मैंने कहा इसमें सब्ट्रैक्ट करूं किस टाइप से, कीपिंग दैट इन माइंड कि किसी एक कोई एक टर्म इसकी हो और दूसरी टर्म इसकी हो, ऐसे सोचूं। तो मैंने कहा लेट्स से एक मिनट के लिए मैंने इधर जी एक्स ले लिया, जी ऑफ एक्स ले लिया, तो मैं इधर ले लेता हूं एफ ऑफ एक्स, सो दैट अगर मैं इसमें से जी एक्स कॉमन लूंगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच बनेगा, वो एफ डैश बन जाएगा, क्लियर है। ये एड सब्ट्रैक्ट किया है तो ऑफकोर्स एड भी करूंगा, सो दिस इज प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और वो माइनस वाला टर्म लिख लिया माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय माइ एच, दिस इज लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, क्लियर है। अब तो हो ही गया हमारा, अब क्लब करना बस तुम टर्म्स को, एक तो इनको टर्म क्लब करो और एक इनको क्लब करो, ठीक है। तो इनको क्लब करते वक्त जी एक्स कॉमन लूंगा तो ये हो गया जी एक्स इंटू अंदर क्या बना एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, और फिर उधर क्या बना प्लस इधर से मैंने क्या कॉमन लिया एफ एक्स कॉमन लिया, तो इधर क्या बना एक मिनट, ठीक है करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, मैं माइनस एफ एक्स कॉमन ले रहा हूं, देखो अब ध्यान से माइनस एफ एक्स कॉमन ले रहा हूं, माइनस एफ एक्स अगर कॉमन लूंगा तो ये वाला पहले लिखूंगा इधर, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय इधर लिख लो डिवाइडेड बाय एच, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से एफ डैश और जी डैश नजर आ गए, और हाँ एक चीज अपन भूल गए, इधर बाहर लिखा है वन अपॉन जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, नाउ दिस इज वॉट एफ डैश एंड दिस इज वॉट जी डैश, तो फाइनली मेरे को लिमिट एच टेंड टू जीरो पे क्या आया जी एक्स, दिस इज डिनोमिनेटर तो नॉट डेरिवेटिव सॉरी एफ डैश पहले लिख लेते हैं, तो एफ डैश न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू जी एक्स जी
माइनस न्यूमरेटर इंटू जी डैश मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन जी स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर. दिस इज व्हाट माय एफ बाय जी का डेरिवेटिव. हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड. क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. चलो अब अपन डिवीजन के रूप में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. ठीक है ना, थोड़ा अगेन थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद फिर हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ब्रह्मा मतलब ये बोलूंगा मेन कोर मतलब वो चीज समझ में आ गई चेन रूल, तो फिर डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता रियली ट्रस्ट मी. कैसा भी क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट तो तुम हर एक फंक्शन को कर दोगे अगर तुम्हें एक बार चेन रूल समझ में आ गया. एक बार चेन रूल अच्छे से समझ में आ गया तो तुम्हें दुनिया का कोई भी फंक्शन दे दो उसको यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट. ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल होता है. देखो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन हम कुछ फंक्शंस का ही निकाल सकते हैं, हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, बट डिफरेंशिएशन हम हर एक फंक्शन का निकाल सकते हैं. ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है ना, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का नहीं निकालेंगे. चलो तो मैंने बोला एग्जांपल के लिए मैंने कहा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, करो इसको डिफरेंशिएट. तो वाई डैश न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x into denominator as it is minus numerator as it is denominator का derivative which is cos x upon denominator का square. समझ गए, खत्म हो गया. और देख लो y is equal to let's say 2 की power x upon let's say ln x, करते हैं चलो इसको. मैंने बोला न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब y डैश लिख रहा हूं मैं, तो 2 की पावर x इंटू a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू ln है, तो 2 की पावर x इंटू ln 2 इंटू नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 बाय x अपॉन ln x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर. दिस इज माई y डैश. ठीक है चलो और देख लेते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं. नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने कहा वाई इज इक्वल टू टू, चलो टू हट गया, बहुत हो गया टू, फाइव की पावर एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन और कोई ले लेते फंक्शन लॉग एक्स टू द बेस सिक्स. चलो करो इसको, तुम लोग इसका डिफरेंशिएशन करो. अब इधर क्या है हमारा प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों एक साथ लगेगा, ठीक है ना, तो ध्यान से करना, वीडियो पॉज करके एक बार खुद डिफरेंशिएट करो इसको. ठीक है अब मैं इसको कर रहा हूं, y डैश इज इक्वल टू, पहले तो मैं उस फॉर्म में लिख लेता हूं, फाइव न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव log x टू द बेस सिक्स का डेरिवेटिव अपॉन log x टू द बेस सिक्स का स्क्वायर. ठीक है अब हम डिफरेंशिएशन पे आते हैं. अब देखो ये तो हो गया मेरा डिवीजन रूल खत्म हो गया, अब अंदर क्या आएगा प्रोडक्ट रूल, वो भी इस पार्ट में आएगा, इधर तो नहीं आएगा, ये तो एक ही फंक्शन है. ठीक है तो करते हैं चलो. अब मैंने बोला इसका डेरिवेटिव, तो देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं, फाइव की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो पहले फाइव की पावर एक्स का प्रोडक्ट रूल, तो फाइव की पावर एक्स का क्या होगा, फाइव की पावर एक्स इंटू एल एन फाइव, ये तो हो गया फाइव की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू साइन एक्स एज इट इज एल एन फाइव, हाँ इंटू साइन एक्स एज इट इज प्लस, अभी इतना ही पार्ट चल रहा है डिविजन प्रोडक्ट रूल, प्लस 5 की पावर x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव व्हिच इज cos x, दिस होल इनटू क्या लिखा है log x टू द बेस 6. अब आ रहा है माइनस वाले पार्ट पे, तो ये लिखा 5 की पावर x इनटू sin x. अच्छा अब log x टू द बेस 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले इसको बेस चेंजिंग थ्योरम से क्या लिखेंगे, ln x upon ln 6 और ln x का 1 by x होगा, तो 1 upon x ln 6, 1 upon x ln 6 होल डिवाइडेड बाय log x टू द बेस 6 का स्क्वायर. क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या होगा, मतलब मिक्सअप हो गया दोनों का. ठीक है मतलब इसमें हमने डिवीजन रूल भी देख लिया और प्रोडक्ट रूल भी देख लिया, आई होप क्लियर हो गया होगा. ठीक है चलो इतना छोड़ने की जरूरत है, इसके बाद सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो एग्जाम में अगर कुछ ऑप्शंस वगैरह दिए होंगे उस फॉर्म में दिया होगा तब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अभी के लिए तो हमारा मकसद क्या है केवल डिफरेंशिएशन सीखना. मैं ऑप्शंस कैसे मैच करना वो तो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में हो सकता है यही दिया वैसे इतना बल्कि तो नहीं देगा, ऑफकोर्स कुछ सिंप्लीफाई करके देगा, वो जब प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर से मेरा मतलब है टेक्स्ट बुक के जिसमें ऑप्शन वगैरह होंगे तब हम उस फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे, अभी
इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं सारे क्वेश्चन जो भी मैं आगे भी जल्दी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस लेने वाला हूं, यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट एंड लीव इट, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है तब तक, अगर जब तक मैं बोलू ना, मतलब उसमें दिया ना हो कि प्रूव दैट इसका डेरिवेटिव इज दिस काइंड ऑफ, उसने अगर सिंपली ऐसे बोला है डिफरेंशिएट दिस, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड लीव एज इट इज, नो नीड टू सिंप्लीफाई इट। बात क्लियर हुई? चलो एक आध और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना, मिक्सअप ही कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर अपन आएंगे चेन रूल पे, ठीक है, उसके बाद हम आएंगे चेन रूल पे। तो देखो मैंने लिखा y इज इक्वल टू, अब कोई कोई अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने थे, जैसे चलो एक इनवर्स ले लिया मैंने, तो साइन इनवर्स x वही लेना है मुझे उस टेबल में से कुछ कुछ कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसके बाद चलो मैं ले लेता हूं इधर ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, ये ले लिया, और कुछ और कोई कॉम्बिनेशन ले लो डिनोमिनेटर में, तो लेट से log x का एक और ले लेते, प्रैक्टिस हो जाएगा, log x टू द बेस 3, चलो इधर भी अपन एक और फंक्शन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा हमारा कोई एक, अब आसान सा ले लेते हैं, लेट से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस फंक्शन में मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो मैंने डिविजन रूल लगाया और डिफरेंशिएट नहीं करा, मतलब डिफरेंशिएट नहीं किया, मतलब उस फॉर्म में लिख लिया बस जैसे पहले किया था, तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा लॉग एक्स टू द बेस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो गया, साइन इनवर्स एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स टू द बेस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय, बहुत लंबा हो गया, लॉग एक्स टू द बेस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है, अब अगले स्टेप पे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, चलो अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, लंबा खींचेगा खींचने तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास जगह है, नहीं होगी जगह तो अपन इसको रब कर देंगे, तो पहले मैं इसको रब कर ही देता हूं, ठीक है ना, फिर बीच में डिस्टर्ब होगा, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, अब देखो पहले इन दोनों में क्या आएगा प्रोडक्ट रूल यू इंटू वी, फिर मेरा इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा यू इंटू वी, मतलब नीचे वाले में इधर यू इंटू वी, अलग कलर से लिख देता हूं, थोड़ा सा पूरा मिक्सअप हो गया, ब्लैक ब्लैक UV, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से लिख ले रहा हूं, दिस इज U, दिस इज V, दिस इज U, दिस इज V, तो इधर मेरा क्या लगेगा भी प्रोडक्ट रूल, डिविजन रूल मैंने लगा चुका, ठीक है, अब हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो देखो साइन इन प्रोडक्ट रूल में U का डेरिवेटिव, विच इज साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये फंक्शन एज इट इज V एज इट इज, तो ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो हो गया यू डैश वी प्लस यू इंटू वी डैश, तो यू क्या है साइन इनवर्स x, अब v का डेरिवेटिव बता था मैंने, याद रखना है क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये तो मेरा हो गया पहला वाला डेरिवेटिव का इंटू ये सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो ये हो गया लॉग एक्स टू द बेस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अभी न्यूमरेटर का खत्म नहीं हुआ, वो भी अभी आधा हुआ है न्यूमरेटर, अब ये वाला पार्ट, तो ये तो एज इट इज साइन इनवर्स एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसका डेरिवेटिव, चलो इसको मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, इसको इधर लिख रहा हूं प्रोडक्ट में, मान लिया इसका डेरिवेटिव, अगेन इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यू का डेरिवेटिव देखो क्या होगा 1 अपॉन एक्स एल एन 3, पहले बेस चेंज इन थ्योरम से वन अपॉन एल एन एक्स अपॉन एल एन 3 और एल एन एक्स का 1 बाय एक्स, तो 1 अपॉन एक्स एल एन 3 इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस लॉग एक्स टू द बेस 3 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद दिस 2x, ये ब्रैकेट क्लोज, अपॉन अपॉन होल डिवाइडेड बाय लॉग एक्स टू द बेस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में यू कैन लीव इट, ठीक है, सिंप्लीफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन अपने से तुम डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली इससे ज्यादा बल्कि तो नहीं आएगा फॉर डिवीजन एंड प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना,
तो इतना काफी है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम इसके ऊपर नहीं रहते, अब हम मूव कर रहे हैं चेन रूल के ऊपर। तो लिख लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे डिफरेंशिएशन में चेन रूल। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि प्रोडक्ट और डिवीजन रूल तो फिजिक्स में भी बच्चा सीख जाता है, चेन रूल में उसको दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, बट आज से नहीं होगी दिक्कत 100%। तो लिख लेते हैं हम चेन रूल, बिल्कुल स्केच से समझेंगे हम इसको, चेन रूल। इसमें दो तीन फॉर्मेट है, चार पांच फॉर्म है, ठीक है ना। तो हम इसमें देख लें फॉर्म वन, ठीक है ना। इसी के अंदर आएगा तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन एंड सो ऑन, एवरीथिंग विल कम हियर ओनली चेन रूल के अंदर। वो हम एज ए डिफरेंट फॉर्म लेने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्म वन मैंने क्या बोला, देखो पहले मैं फॉर्म लिख लेता हूं, उसका आंसर लिख लेता हूं, ठीक है, मतलब रिजल्ट लिख रहा है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। मैंने कहा डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी वी। दिस इज माय चेन रूल, बेसिकली यही है बस पूरी कहानी। इसी के आधार पे आगे की चीज चलने वाली है, जो भी हम आगे फॉर्म देखने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली, ठीक है। तो देखो मैंने बोला, अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। मैंने बोला, इसने क्या बोला है, यू का डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या बोल रहा है, क्या करो, एक काम करो, यू का डेरिवेटिव पहले डब्ल्यू एक नया वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में कर लो, और न्यू वेरिएबल का डेरिवेटिव फिर वी के रिस्पेक्ट में कर लो, ये ऐसे बोल रहा है वो। आया कैसे वो भी हम प्रूफ देखने वाले हैं इसका, ठीक है। कोई को लगेगा कि सर इसमें प्रूफ में क्या है, ये डी डी डब्ल्यू से डी डब्ल्यू कैंसिल, डी यू बाय डी वी, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बोला है, डी यू अपॉन डी डब्ल्यू जो लिखा है ना मैंने, इसमें ये एक यूनिट है, सिमिलरली हियर दिस इज वन यूनिट, तो हमें वो डेल्टा करके प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट दिस इज नॉट रेशियो ऑफ डी यू एंड डी डब्ल्यू एंड सिमिलरली दिस इज नॉट रेशियो ऑफ डी डब्ल्यू एंड डी वी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो समझ में आया यहां तक, अब सुनना इसको मैं कैसे लिख रहा हूं। देखो पहले लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसका प्रूफ देता हूं। क्या बोल रहा है ये, डेरिवेटिव, सुनना ध्यान से देखना, डेरिवेटिव ऑफ, चलो एक काम करो, तो पहले प्रूफ देखता हूं उसके बाद इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, पहले प्रूफ देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो मैंने बोला फॉरगेट अबाउट दिस, एक मिनट इस पार्ट पे आते हैं। मैंने कहा डी यू अपॉन डी वी को हम डेल्टा के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं, क्या लिखते हैं, लिमिट डिनोमिनेटर डेल्टा वी टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी, ऐसे करते हैं। ये हमने देखा था कल की क्लास में, दिस डी यू बाई डी वी इज वॉट डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो, क्लियर है यहां तक। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे डेल्टा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे डेल्टा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों को शिफ्ट कर दिया, इस वाले को इधर ले गए, इस वाले को इधर ले गए, तो दिस इज लिमिट, अभी देखना, अभी लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। चलो अब मैंने बोला डेल्टा वी जीरो को जा रहा है, अब सुनना ध्यान से, अगर डेल्टा वी जीरो को जा रहा है, सुनना फॉरगेट अबाउट ये पार्ट, मेरा इतना पार्ट था पहले, देखो ध्यान से सुनना, वही चीज, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो न्यूमरेटर को जीरो जाना ही पड़ेगा। क्या लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से सुनो, डेल्टा वी जीरो को जा रहा है तो डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी जीरो को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तभी तो हम उसका डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, देख रहे हैं मतलब। तो मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो इंप्लाइज, दिस इज साइन ऑफ इंप्लाइज डेल्टा, एक मिनट, इंप्लाइज डेल्टा यू टेंड टूवर्ड जीरो, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अच्छा अब सुनना, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक इट आउट, डेल्टा वी जीरो को जा रहा है तो डेल्टा यू को जीरो को जाना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब सुनो, तो मैं अब इस पे आओ, एक मिनट, मैंने ये गलत, एक मिनट, इसको मेरे को जरूरत, चलो इसको भी जरूरत है वैसे, तो एक मिनट के लिए रुको, देखो मैं इस पे आ रहा हूं, पहले देखना, मैंने बोला कि डेल्टा वी जीरो को जा रहा है, इस पे आना, देखना डेल्टा वी जीरो को जा रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो को जाएगा,
ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ये फाइनाइट आने वाला है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है तो न्यूमरेटर भी जीरो को जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा, इधर ऐसे लिख लो साइड में भले, डेल्टा वी अप्रोचेस जीरो इंप्लाइज डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस जीरो, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले तो मैंने इसको, इस लिमिट को दोनों में सेपरेट किया, पहले तो मैंने ऐसे लिखा स्टेप बाय स्टेप, लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इन टू लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो मेरा स्टैंडर्ड हो गया ये वाला पार्ट, कौन सा, सेकेंड वाला। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला पार्ट तो मेरा डायरेक्ट फॉर्म बन गया, क्या है ये बेसिकली, दिस इज व्हाट, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो, डी डब्ल्यू बाय डी वी, डी डब्ल्यू बाय डी वी। अब ये देखो इस वाले फॉर्म में आओ, इस वाले में आओ, अभी मैंने क्या बोला, डेल्टा वी जीरो को जा रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो को जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ डेल्टा वी मैं डेल्टा डब्ल्यू लिख लेता हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना डेल्टा डब्ल्यू टेंड्स टू जीरो, विच अगर ये जीरो को जा रहा है तो ये भी जीरो को जा रहा है। अब ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से डी यू अपॉन डी डब्ल्यू, तो देखो वही चीज हो गया, डी यू अपॉन डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी वी, हेंस प्रूफ, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। अभी और फील आएगी, डोंट वरी, ठीक है ना, अभी तो बहुत छोटा सा पार्ट किया आपने अभी, ठीक है। मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हमारा होने वाला है दैट इज इन कंपोजिट फंक्शन, वो भी चेन रूल ही है बेसिकली, इसी का दूसरा फॉर्मेट है बस, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं डेरिवेशन को, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। देखो ध्यान से देखना, अब मैंने क्या बोला, अब हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहे हैं। अब लैंग्वेज फॉर्म में तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको तो मैं ओल्ड वेरिएबल बोल रहा हूं, और ये डब्ल्यू है ना, इसको मैं न्यू वेरिएबल बोल रहा हूं, क्योंकि ध्यान है अभी डेरिवेशन में मैंने W को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, इसलिए मैं उसको नया वेरिएबल बोल रहा हूं, यू वी तो मेरा पुराना है। तो देखो इधर क्या लिख रहा हूं, पहले एल आर एच एस, एल एच एस को डेरिवेटिव तुम लोगों को भी लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेरिएबल इज इक्वल टू, लैंग्वेज फॉर्म में याद रखोगे तो ज्यादा फील आएगी मेरा मानना है, ठीक है। फिर क्या लिख रहा हूं मैं, अब क्या कर रहा हूं मैं, उसने क्या बोला कि डेरिवेटिव निकालना है किसी का, एक वेरिएबल ओल्ड वेरिएबल उसके उसके रिस्पेक्ट में, तो क्या करो पहले तो यू का डेरिवेटिव निकाल लो न्यू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ यू वही चीज है विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल इन टू, अब क्या करो जो न्यू वेरिएबल तुमने किया ना उसका डिफरेंशिएशन निकाल लो ओल्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इन टू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ न्यू वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेरिएबल। आई होप क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रही, कोशिश कर रहा हूं मैं, क्लियर है। उसने बोला है कि किसी फंक्शन का यू का डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो कब ऐसी जरूरत पड़े कि वो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, क्या होगा कि हमारा यू जो दिया होगा ना वो वी का फंक्शन नहीं दिया होगा, वो एक इंटरमीडिएट W का फंक्शन दिया होगा, फिर W V का फंक्शन दिया होगा, एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, अभी के लिए इसको याद रखो कि U का डेरिवेटिव V के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, पहले U का डेरिवेटिव हमने किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, जिससे ज्यादा मतलब जिसके जिसके रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन दिए क्वेश्चन में, और फिर क्या किया, जो हमने वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में निकाला उसका डिफरेंशिएशन ओल्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। इसको दो बार पांच बार मन में बोलो, बिठाओ इसको दिमाग में, ठीक है, ठीक है। चलो अब मैंने बोला एक एग्जांपल, इसका जरूरत कैसे क्या है मतलब देखना, चलो एक एग्जांपल इधर ही लिख लेता हूं मैं, मैंने बोला खुद से बना लेते हैं, जैसे मैंने बोला लेट u इज इक्वल टू, देखो ऐसे लिख लिया 5w स्क्वायर प्लस 10w, ठीक है, और मैंने लिखा v इज इक्वल टू सॉरी w इज इक्वल टू, ऐसे लिखो W इज इक्वल टू टेन ऑफ P, ऐसे लिख लिया, चलो ठीक है। अब देखना सिनेरियो, अब उसने मुझे क्या बोला क्वेश्चन में, अब देखो उसने बोला डी यू अपॉन डी वी निकालो, इस टाइप की सिनेरियो में ये चीज काम आएगी जो जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन की, ठीक है। देखो अब उसने क्या बोला, जो हमें U दे रखा ना वो तो W का फंक्शन दे रखा है, उसने क्या रखा U इज 5W स्क्वायर प्लस 10W,
और फिर उसने W को B से रिलेट कर रखा है। तो देखो इसके दो तरीके हैं, अगर चेन रूल आता है, अगर चेन रूल आता है तो हम क्या करो, W की जगह इधर रख दो, W की जगह ये इधर रख दो, ठीक है ना, और फिर चेन रूल लगा दो, यू को वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। बट फॉर टाइम बीइंग चेन रूल हमें आता नहीं, बिकॉज चेन रूल भी इधर से ही ड्राइव हुआ है, अभी हम आगे के स्टेप में देखने वाले हैं। मैंने बोला एट प्रेजेंट सिचुएशन में मैं क्या करूं, इसको क्या करें हम, अभी मैं यू को किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है मेरे को डिफरेंशिएट करना, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। तो मैं ऐसा मान लेता हूं यू को मुझे करना है वी के रिस्पेक्ट में, फाइनली मुझे यू को वी के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले यू को डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कर लेता हूं, क्योंकि ईजिली हो जाएगा, यू को डब्ल्यू को, यू इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू दे रखा है। फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरा नया वेरिएबल है डब्ल्यू, उसका डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट में निकाल लूंगा, और आसान भी है, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ वी दे रखा है, तो मेरी यही फॉर्मूला लग जाएगा इधर। क्या करूंगा मैं फाइनली, देखो अब इसको पहले थोड़ा मिटा देता हूं, मैं लिख लेना इसको सबको, ठीक है, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। हाँ, तो मैंने बोला डी वी अपॉन सॉरी डी यू है सॉरी डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू, क्या बोल रहा हूं मैं, पहले डी यू का डेरिवेटिव हमने एक इंटरमीडिएट वेरिएबल लिया डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, इनटू उस डब्ल्यू का जो नया वेरिएबल उसका डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट में, ऐसा कर लेते हैं हम। ऐसा कर क्यों रहे हैं, द रीजन इज हमें यू दिया है डब्ल्यू का फंक्शन और डब्ल्यू दिया है वी का फंक्शन, तो दोनों पॉसिबल है। तो फाइनली क्या आ जाएगा मेरा, डी यू बाई डी डब्ल्यू का जाएगा, इसका डेरिवेटिव डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, टेन डब्ल्यू प्लस सेक स्क्वायर डब्ल्यू, टेन डब्ल्यू का डेरिवेटिव डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में इंटू डी डब्ल्यू बाई डी वी, तो डी डब्ल्यू बाई डी वी क्या होगा, सेक स्क्वायर वी, क्या हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर वी, दैट्स इट, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब वो ऑप्शन में कैसे देता है यू, वो पूरा वी का फंक्शन देता है, मान लो इनकेस इफ ही इज गिविंग आंसर एज अ फंक्शन ऑफ वी, तो क्या करो तुम डब्ल्यू इसमें उठा के और रख दो इधर, तो तुम्हारा जो पूरा आंसर होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ वी, क्लियर हुआ। तो ये वाला चीज जो है ना, अभी जो मैंने बताया इसको पांच बार माइंड में बोल लो, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वी इज वॉट, डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विथ सॉरी यू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी वी, ठीक है, मतलब बीच में एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये दो के लिए एप्लीकेबल है, हम कितने भी तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, मेरा कहने का मतलब क्या है वो सुन लो, मैं इसको रब कर देता हूं उसको बताने के पहले। मैंने बोला जैसे अभी मैंने क्या बोला कि अभी हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया न्यू वेरिएबल, तो हम दो कर सकते हैं, कैसे, मन चाहे कितने भी, जैसे कि मैं बताना जो चाह रहा हूं डी यू अपॉन डी वी, क्या किया, मान लो तुम्हें यू डब्ल्यू का फंक्शन दिया है, तो तुमने सबसे पहले क्या किया, डी यू अपॉन डी डब्ल्यू, दिस इज माई न्यू वेरिएबल वन, फिर क्या दिया उसने, W को V का फंक्शन नहीं दिया, W को लेट्स से U V W X Y Z और कोई वेरिएबल T का फंक्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये न्यू वेरिएबल का डेरिवेट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक दूसरा, लेट्स से T का फंक्शन दिया है T, फिर मैंने क्या किया डी टी अपॉन टी का डेरिवेटिव V के रिस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है, फिर देखो समझने के लिए मतलब याद करने के लिए तो तुम ऐसे कर सकते हो कि भाई हाँ इससे ये कैंसिल हुआ इससे ये कैंसिल हुआ, हालांकि ऐसे प्रूफ ऐसा नहीं है, प्रूफ तो वो डेल्टा करके है, ऐसे कोई कैंसिल तो कर नहीं सकता, दिस इज नॉट अ सेपरेट यूनिट, बट ऐसे याद करने के लिए बोल सकते हैं इस डब्ल्यू से ये डी डब्ल्यू गया, ये डी टी से ये डी टी गया, तो डी यू बाई डी वी बचा, विच इज करेक्ट, समझ में आ रहा है। देखो इस टाइप का सिनेरियो कब काम आएगा, जैसे मैंने रफ एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा यू ऐसे तुम्हें दे दिया, यू इज साइन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, फिर तुम्हें W दे दिया इट इज कॉस ऑफ T, फिर दे दिया तुम्हें T इज इक्वल टू लेट्स से साइन इनवर्स V, ऐसा कुछ सिनेरियो है, और तुम्हें पूछा है विद दिस इंफॉर्मेशन दे आस्क यू डी यू बाय डी वी, लिख लो, चलो ऐसा करो, ये क्वेश्चन ही बना दिया आपने, क्वेश्चन ही बना दिया इसके आधार पे, ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्या हो गया, U का डेरिवेटिव मुझे V के रिस्पेक्ट में निकालना, मतलब U से V तक जाना है, तो मैंने दो इंटरमीडिएट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, एक तो W, क्योंकि W और एक लिया मैंने T, आई होप क्लियर हो गया। फर्दर और एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे एक आध और लिख लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा अब चार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चार कर दो तो अपनी मर्जी है, नाउ वी कैन प्ले विथ इट, ठीक है ना, एक बार समझ में आ गया तो अब हम इसके साथ खेल सकते हैं, वी कैन प्ले विथ इट, डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू यू का रिस्पेक्ट, लेट से पहले मैंने लिखा W के रिस्पेक्ट में, फिर डी डब्ल्यू का लेट से डी टी के रिस्पेक्ट में,
फिर डी टी का लेट से डी वाई नहीं हुआ तो वाई के रिस्पेक्ट में, फिर लास्ट में वाई का डी वी के रिस्पेक्ट में, तो इधर कोई दिक्कत नहीं था, तीन तीन वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गए डब्ल्यू टी वाई। तो देखो कट भी रहा है सब जगह, देखो ये इससे कैंसिल होगा इससे, मतलब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डी वी वाई डी बचा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से चेन रूल, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्म वन है। अब आते हैं हम कंपोजिट फंक्शन पे, उसका थोड़ा सा कवर करते हैं, बाकी का फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा पार्ट कवर करता हूं मैं, तो लिख लो कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और चेन रूल के अंदर ये है पार्ट टू, फॉर्म टू लिख लो, फॉर्म टू, फॉर्म टू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा कवर करते हैं इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू, दिया मुझे कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो अब क्या करें हम, सुनना ध्यान से, क्या किया अपन ने इसके डिफरेंशिएशन के लिए, हमने ये मेरा f ऐसे फंक्शन ऑफ g दे रखा है, तो क्या किया हमने, पहले f का डेरिवेटिव निकाला, किसके रिस्पेक्ट में, g के रिस्पेक्ट में, नॉट x। देखो जब मैंने बोला ना y डैश निकालना है, y डैश मींस, चलो ऐसे लिख लो डी वाई बाय डी एक्स, ये मुझे निकालना है। मैंने बोला इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है मुझे, फाइनली डी वाई बाय डी एक्स है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस डी वाई बाय डी एक्स को अभी जो हमने चेन रूल पढ़ा उसके आधार पर देखो क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, डी बाय बाय मैंने लिखा डी ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज माई न्यू वेरिएबल। फिर क्या करूंगा, डी ऑफ जी ऑफ न्यू वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यही तो होता है हमारा कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। इधर मैंने क्या बोला, दिस जी इज माय न्यू वेरिएबल यूजिंग वही प्रीवियस चेन रूल वन फॉर्म वन, डी बाय डी एक्स क्या कर सकते हैं हम, पहले वाई को किसी और फंक्शन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उस फंक्शन को मैंने बोला, उस वेरिएबल को बोला, ऐसे बोलो वेरिएबल को बोला जी एक्स, और फिर उसका डेरिवेटिव, उस वेरिएबल का डेरिवेटिव हमें जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। क्लियर है? अच्छा अब देखो इसको, अब मैंने y की जगह ये रख दिया, तो ये क्या आया मेरा, d ऑफ f ऑफ g ऑफ x अपॉन d ऑफ g ऑफ x इंटू d बाय डी एक्स ऑफ g ऑफ x। क्लियर है? अब इसका शॉर्ट नोटेशन देख रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, d बाय डी ऐसे लिखा है ये, देखो ऐसे, दिस इज वन यूनिट। अब सुनना इसको कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दिस इज फर्दर रिप्रेजेंटेड एज, इधर लिख लेना f डैश ऑफ g ऑफ, इस पे और मैं थोड़ा सा आऊंगा अभी, इस पे एम्फसाइज करूंगा, इंटू g डैश x, f डैश ऑफ gx इंटू g डैश x। अब कोई बोलेगा सर ये भी तो f डैश था, ये जो मैंने लिखा ना, ये दिस इज बेसिकली f ऑफ g ऑफ x इसका होल डेरिवेटिव। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा इसमें, अभी के लिए नोट कर लो इसको, दिस इज f डैश ऑफ gx, ये तो ठीक है क्लियर दिख रहा है, दिस इज g डैश x। इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्या होता है थोड़ा सा, देखो इधर इधर आओ ध्यान से सुनना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स को क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा मैंने बोला एक मिनट रुको, d बाय डी जेड स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा मेरा, एफ डैश ऑफ जेड स्क्वायर, देखो इधर ध्यान से है। अब मैंने बोला डी बाय डी एक्स डी जी एक्स ऑफ दिस, तो मैं जी एक्स को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या क्या लिख रहा हूं मैं, जैसे इधर मैंने जेड स्क्वायर लिखा, ठीक है, और ये मेरा किसके बराबर है, ये मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का होल डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, इधर हम f का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब इसी को इसी फंक्शन को, जैसे अभी एग्जांपल से और क्लियरिटी आएगी, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है देखना ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले देखना ध्यान से इस फॉर्मूले से समझना, उसको एक मिनट के लिए छोड़ दो, एक मिनट के लिए दो मिनट के लिए इसको पॉज करो, मैं उस पर दोबारा आऊंगा। मैंने बोला इसके लिए क्या लिखना है, इसने क्या बोला f का डेरिवेटिव करो साइन का विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, अब मेरा जी एक्स क्या है एक्स क्यूब, तो दिस इज व्हाट d बाय
डी ऑफ एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू जी डैश एक्स, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब ऐसा सुनो, ये क्या लिखा है, ये सिर्फ एक्स क्यूब के लिए एक सेकंड के लिए सोचो टी लिखा है, तो दिस इज व्हाट डी बाय डी टी ऑफ साइन टी, तो डी बाय डी टी ऑफ साइन टी क्या होता है हमारा कॉस टी, तो कॉस टी, टी मतलब एक्स क्यूब, तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज थ्री एक्स स्क्वायर, तो यही हो गया हमारा। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखू मैं इसको, इफ आई वॉन्ट टू राइट इट दिस लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखू मैं इसको, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ट्रीटिंग अंदर वाला फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट, मतलब अंदर वाले फंक्शन को एक्स मान के मानते हुए, मतलब एक एक्स मानते हुए मैंने इसका डिफरेंशिएशन लिखा, इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, क्या लिखूं, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एफ ट्रीटिंग आर्ग्यूमेंट एज एक्स, ट्रीटिंग अंदर वाला फंक्शन एज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्सटर्नल फंक्शन, चलो ऐसे लिख लो एक्सटर्नल फंक्शन, ट्रीटिंग जी एक्स एज एक्स, ट्रीटिंग जी एफ एक्स एज एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट या जी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट और जी एक्स लिख लो, समझ में आ रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट बहुत है, इसमें लिखा है एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव, दिस इज नॉट, मतलब जैसे बच्चों को क्या कंफ्यूजन इसमें होता है, वो बोलते हैं कि सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ना इसका डेरिवेटिव और एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, एफ डैश ऑफ जी एक्स मतलब क्या बताया मैंने, जी एक्स का एफ का डेरिवेटिव जी एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिख लो, एक काम करो इसको मैं रब करके थोड़ा सा लिख ही देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो पहले इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैंने क्या बोला, इस पे आता हूं मैं, इस वाले पॉइंट पे भी आऊंगा, देखो मैंने बोला इसको लिखो पहले, दिस इज डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऊपर डैश लगाना मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में बात चल रहा है, और इसका मतलब क्या है, मैंने एफ डैश ऑफ इसका इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना उसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, तो दिस इज व्हाट डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ, ऑफकोर्स एफ ऑफ जी एक्स की बात चल रही है बट विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, जी एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने लिखा एक चीज सुनो, जैसे मैंने लिखा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखा है, एक ये सिनेरियो, तो इट इज कॉस एक्स, अच्छा एक मैंने लिखा डी बाय डी एक्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होगा बताना जरा सोच के, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर को एक सेकंड के लिए टी बोला, तो दिस इज व्हाट डी बाय डी टी ऑफ साइन टी व्हिच इज नथिंग बट कॉस टी, कॉस टी मतलब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ में आया, लेकिन यही चीज अगर मैं ऐसे लिखता ना, देखो ये चीज तो क्या बता रही, ये चीज एफ ऑफ जी, अब मैं इसको ये अगर लिखता डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर तो अलग चीज हो जाती है, तो ये वाली चीज होती, तो ये दोनों बराबर नहीं ना, ये तो क्या होगा, पहले तो हम इसको यही लिखेंगे cos of x square into फिर वो x square का भी डेरिवेटिव आएगा ना, ये तो क्या होगा cos of x square, फिर चेन रूल से x square का 2x, तो ये दोनों बराबर थोड़ी है, कहने का मतलब समझ में आ रहा है, जब पूरे पे डैश लगाया ना इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर f डैश ऑफ समथिंग लिखा है तो इसका मतलब f का डेरिवेटिव वो समथिंग के रिस्पेक्ट में, अब वो समथिंग कुछ भी हो, कोई फंक्शन हो कुछ हो, हम उससे मतलब नहीं है, उसको हम तो t की तरह ट्रीट कर रहे हैं, t लिखा है वो, जैसे इधर लिखा ना मैंने d by dx square of sin x, अब x square के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं ना मैं, तो x square के रिस्पेक्ट में this is t, अगर ये t है तो ये d by dt of sin t which is cos t, क्लियर हुआ, तो ये दोनों चीज बराबर नहीं है, देखो इसके corresponding लिख लेना d by dx of sin of x square और इसके corresponding ले लेना d by dx square of sin of x square, this is what, इसको लिख भी लो, इसको लिख लो, चलो ऐसे लिख लो लैंग्वेज फॉर्म में भी, देखो बहुत जरूरी है ये सब फील, इसी में बस एक बार ये क्लियरिटी आ गई ना तो मैं आज के लेक्चर की वाला पार्ट स्पेशली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको लिख लो डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या है मेरा डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसी का डेरिवेटिव है बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों डिफरेंस है वो, जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूं मैं, इसको आज तुम एब्जॉर्ब करो अच्छे से, फिर हम ना आगे के आगे का चीज अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना। एक काम करता हूं, नहीं तो एक तो इलस्ट्रेशन छोटे छोटे ले लेता हूं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं। ये मैंने जो लेक्चर लिया है अभी जो स्पेशली चेन रूल के बाद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स क्यू, सिंपल। तो मैंने क्या लिखा, dy बाई dx निकालना है, मतलब y डैश, y डैश मतलब x के रिस्पेक्ट में निकालना है। देखो तो मैं क्या बोल रहा हूं इसको, देखो तुम तो पता है चेन रूल, ऐसे बोलो कि नया वेरिएबल मेरा क्या है, x क्यूब है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, देखना लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स क्यूब ऑफ टेन ऑफ एक्स क्यूब, मतलब x क्यूब इज माय न्यू वेरिएबल, x क्यूब के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया इनटू अब x क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जिसके फाइनली हमें चाहिए था x के रिस्पेक्ट में। तो नाउ इट इज समथिंग लाइक d बाय dt ऑफ tan t व्हिच इज sec स्क्वायर t, और t क्या है sec x क्यूब, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर x क्यूब इनटू दिस इज 3x स्क्वायर, दैट्स इट। तो समझ आ गया, जैसे अपन फिजिक्स में अभी कैसे पढ़ते थे, अपन अभी तक इससे पहले तुम लोग कैसे पढ़ते थे, इसका डेरिवेटिव x क्यूब को x मानते हुए, ऐसे बोलते हैं जनरली फिजिक्स वगैरह में, ठीक है ना। मैंने भी पढ़ा है, जब हम लोग 11th फिजिक्स पढ़ाते तो ऐसे याद ऐसे बताते हैं चेन रूल में, पहले टेन का डेरिवेटिव करो x क्यूब को x मानते हैं, तो हम x मानते हुए मान लिया हमने x क्यूब को x है, तो टेन को टेन का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम sec स्क्वायर, और वो जाएगा x क्यूब इनटू फिर अंदर वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो वो आया कैसे, ये चेन रूल से। हमने इधर क्या वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, x क्यूब वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया पहले हमने, क्योंकि इसका डेरिवेटिव x क्यूब के रिस्पेक्ट में निकालना आसान है, क्योंकि ये x क्यूब का फंक्शन है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x क्यूब, ठीक है। और देख लो, चलो मैंने लिखा y इज इक्वल टू टेन ऑफ, चलो मैंने लिखा उसी का चेंज करते जाते हैं, टेन ऑफ ln x, दिस इज अगेन कंपोजिट। तो मैं क्या करूंगा, dy बाई dx निकालने के लिए ln x विल बी माय न्यू वेरिएबल। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो d बाय dx ऑफ, सॉरी d बाय d ऑफ ln x ऑफ tan ऑफ ln x इंटू डी ऑफ एल एन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। तो अब ये क्या हो गया, एल एन एक्स की एल एक्स की टी लिखा है, तो क्या लिखा है डी बाई डी टी ऑफ टेन टी विच इज सेक स्क्वायर टी, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एल एन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स वन बाई एक्स, एज प्रूफ। क्लियर है बच्चों? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब हम आज का लेक्चर यहीं एंड अप करते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में कल देखेंगे, ठीक है। चेन रूल ही कंटिन्यू करूंगा मैं, थोड़ा और भी इलस्ट्रेशन लेना है मुझे, ठीक है। चलो दैट्स इट, थैंक यू।